बात करते हैं पांचवें ऐसे मैच की जो हमारे दिल तोड़ने की वजह बना। दोस्तों ये मैच भी वर्ल्ड कप ही का था जो कि गुजरे साल ही खेला गया। हम बात कर रहे हैं T20 वर्ल्ड कप 2022 की जो कि ऑस्ट्रेलिया में मुनक़िद हुआ। इस बार हमारी टीम से उम्मीदें कुछ ज़्यादा ही थी क्योंकि 2021 के T20 वर्ल्ड कप में ये टीम सेमीफाइनल तक बड़ी आसानी से पहुंची थी। पर वो कहावत है ना कि पाकिस्तान टीम से आप जितनी ज़्यादा उम्मीदें लगाओगे उतना ही ये टीम आपको भला साबित कर देगी। इसीलिए पाकिस्तान टीम को दुनिया की मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल टीम कहा जाता है कि इनका कोई भरोसा नहीं, चले तो चांद तक वरना शाम तक। खैर अब वर्ल्ड कप का पहला ही मैच जिम्बाब्वे के खिलाफ था, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान ये मैच हार गया। नेक्स्ट मैच इंडिया से था लेकिन ये मैच भी हम हार गए, लेकिन हमारी टीम खूब लड़ी जिसकी हमें थोड़ी बहुत खुशी थी। लेकिन अब सेमीफाइनल में पहुंचने के चांसेस तो ना होने के बराबर थे क्योंकि अब हम दूसरों पर मुनसर थे। फलां जीतेगा तो ऐसा होगा, फलां हारेगा तो ऐसा होगा, और दुनिया का मीडिया हमारी टीम पर तनकीद कर रहा था। पाकिस्तान के इतने लोग भी हमारे खिलाड़ियों को नहीं बख्श रहे थे और सबके सब गालियां और गुस्सा निकाल रहे थे। बहुत से लोगों ने हमारी टीम का जीना ही हराम कर दिया और सबके सब ऐसी ऐसी मीम्स बना रहे थे कि पाकिस्तान टीम सबसे पहले घर पहुंचेगी और हमारी टीम के सारे खिलाड़ी ज़हनी तौर पर परेशान और उदास थे। पर एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि हमारे खिलाड़ियों ने उम्मीद नहीं गिराई, जबकि पाकिस्तान के पास 1% से भी कम चांस था। इसके बावजूद हर खिलाड़ी ने अपने इंटरव्यू में ये कहा कि इंशाल्लाह हम फाइनल ज़रूर पहुँचेंगे, और अल्लाह पाक ने शायद इसी बात का मान रख लिया और ऐसा ही हुआ, और अल्लाह पाक ने इस टीम को ज़मीन से उठाकर आसमान पर ला खड़ा किया। तो हम सब इतने खुश थे कि अब ये वर्ल्ड कप हमारा ही है और पूरी दुनिया की नज़र में पाकिस्तान का नाम रोशन हुआ। पर शायद अल्लाह ने हमारे लिए सफ़र यही तक मुकर्रर किया था। फाइनल में हमारी टीम ने बैटिंग तो अच्छी ना की, पर हमारे बॉलर्स ने एक छोटे से 135 रन के हदफ को इंग्लैंड टीम के लिए पहाड़ जैसा बना दिया। अपनी तूफानी बॉलिंग से उनको घुटनों पर ला खड़ा किया, पर फिर भी हम ये मैच हार गए। और एक बार फिर शायद किस्मत ने हमारा साथ ना दिया क्योंकि मैच के सबसे अहम हिस्से में शाहीन अफरीदी जो कि अपनी बॉलिंग से वर्ल्ड कप जिता सकते थे वो इंजर्ड हो गए, और ये मैच भी हमारे लिए दुख का बहस बना और हमारे खिलाड़ी भी मैच के बाद आंखों में आंसू लिए नजर आए।